हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। एचएसएससी ने हाई कोर्ट से सिंगल बेंच के ऑर्डर रद्द करने की मांग की है और इसको लेकर डिटेल से आज के न्यूज़पेपर में यह बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दायर की सभी अपीलें, सिंगल बेंच का ऑर्डर रद्द किया जाए। एचएसएससी ने अपीलों में कहा, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देते समय पहले ही पूरी सावधानी बरती गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सभी अपीलें दायर कर दी हैं। आयोग ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि वे सभी मामलों में अपीलें दायर करना चाहता है, इसलिए समय दिया जाए। हालांकि डबल बेंच के अंतरिम आदेश में अपीलें दायर करने के लिए समय मांगने का जिक्र नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग फीस जमा न कराने का जिक्र है। अब आयोग ने सभी अपीलें दायर कर डबल बेंच से आग्रह किया है कि सिंगल बेंच के ऑन ऑर्डर को रद्द किया जाए। इन अपीलों पर अगली सुनवाई अगले महीने के शुरू में होगी। इन अपीलों को प्रतिवादी गण को भेज दिया गया है। प्रोसेसिंग फीस के जरिए अभी ये मिलनी शेष है, मगर प्रतिवादी गणों को अगली सुनवाई से पहले इन अपीलों पर जवाब दायर करना होगा, ताकि अगली सुनवाई पर दोनों तरफ से दलीलें दी जा सकें। सिंगल बेंच को यह भी जानकारी दी थी कि इतने वेरीफाई हो चुके हैं। अपील में आयोग ने कहा, सिंगल बेंच को यह भी बताया था कि सीटी में 7,73,000 उम्मीदवार अपीयर हुए थे। इनमें से लगभग 3,58,000 उम्मीदवार सीटी क्वालिफाई हुए। कुल 2,68,400 उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा किया था। इनमें से 1,48,654 ने अपने दावे या उनके वेरीफाई हो गए। लगभग 1,00,000 ने अपने दावे वेरीफाई किए और 41,587 ने दिए गए अवसरों पर अपना दावा वापस ले लिया। विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत तरीके से लेने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी और आपराधिक अभियोग भी चलाया जाएगा। इसलिए आयोग ने स्किल टेस्ट लेने से पहले सीईटी रिजल्ट तैयार करते समय काफी सावधानी पहले ही बरत ली है, इसलिए सिंगल बेंच का ऑर्डर रद्द किया जाए। आयोग ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने में पूरी सावधानी बरती है। आयोग ने अपीलों में कहा, सिंगल बेंच ने 25 जुलाई 2023 को संशोधित सीईटी रिजल्ट रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी स्किल टेस्ट से पहले उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के दावों को वेरीफाई किया जाए। आयोग ने आगे अपील में कहा, आयोग ने उम्मीदवारों के उन दस्तावेजों की जांच की है जिन्हें अपलोड किया गया था और जिनके आधार पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक दिए गए। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक अभी चयन प्रक्रिया के फाइनल स्टेज पर उम्मीदवारों को दिए जाने हैं, तब आयोग फाइनल रिजल्ट से पहले उन दस्तावेजों की प्रतियों की असलियत फिजिकली वेरीफाई करेगा। उम्मीदवारों ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनकी आगे संबंधित विभाग भी जांच करेगा। जिनका चयन होगा, सभी आवेदकों की करेक्टनेस ऑथेंसिटी समय कम होने के कारण संभव नहीं है और इससे चयन प्रक्रिया में देरी होगी, साथ में निरर्थक मुकदमेबाजी आमंत्रित होगी। मगर सिंगल बेंच अनुमान पर आगे बढ़ी कि सेल्फ डिक्लेरेशन और सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक लेने के लिए आवेदन फार्म के साथ अटैच किए दस्तावेज असली नहीं हो सकते, जिससे योग्य उम्मीदवार अयोग्य उम्मीदवारों की कीमत पर चयन सूची से बाहर हो सकते हैं। सिंगल बेंच की यह अप्रोच कानूनी तौर पर अरक्षणीय है, क्योंकि हजारों उम्मीदवार स्किल यू लिखित परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं और उनमें से काफी सिलेक्शन जोन तक पहुंचने के लिए जरूरी अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिंगल बेंच ने आयोग की इस बात को भी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया कि उम्मीदवारों को 5 अंक छोड़ने के लिए कई बार मौके दिए थे। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।